आज हम बात करेंगे पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ को लेकर के, जिसका प्रेवलेंस हम सबको पता है कि काफ़ी बढ़ता जा रहा है। ये भी एक तरह से लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिजीज़ है, जैसे कि डायबिटीज़ होती है। इसका प्रेवलेंस अगर हम देखेंगे तो रूरल एरिया में 4 से 5% से लेकर के मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में तकरीबन 10 से 20% तक पाया जाता है। यानी कि शहरों में तकरीबन 100 में से 15 से 20 लड़कियां ऐसी होंगी जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरी डिज़ीज़ होगा। इसके लिए काफ़ी सारी अवेयरनेस कैंपेन्स चली हैं, सबको मालूम भी हो जाता है, डायग्नोज भी हो जाता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इसमें रेगुलर चेकअप्स एंड रेगुलर विजिट्स टू डॉक्टर दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट। अब ये क्यों, हमारा रेगुलर चेकअप क्यों ज़रूरी है? हमारा इलाज सिर्फ पीरियड तक लिमिटेड नहीं है, या जो एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो रही है सिर्फ उसको डिक्रीज़ करने तक नहीं है। हमने ये वेरियस स्टडीज़ दे हैव फाउंड दैट दीज गर्ल्स हु हैव PCOS, उनके फ्यूचर में ज़्यादा चांसेस रहते हैं डायबिटीज़ होने के, ब्लड प्रेशर बढ़ने के, फैटी लिवर डिज़ीज़ होने के और कोलेस्ट्रॉल डिसऑर्डर होने के। तो हम ये चाहते हैं कि आपके रेगुलर चेकअप्स होते रहें, आपके हेल्थ चेक्स होते रहें, ताकि आपको पता चलता रहे कि कहीं हम इस तरफ बढ़ तो नहीं रहे हैं। ख़ास तौर पे ये चेकअप तब ज़रूरी है जब आप शादी का प्लानिंग कर रहे हो या आप प्रेगनेंसी का प्लानिंग कर रहे हो, ताकि अगर हमें इसमें से कोई भी डिसऑर्डर है तो हम उसको पहले से ही उसका इलाज शुरू कर दें और उसको कंट्रोल कर लें, ताकि बाद में उसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। थैंक यू।